मोटापे से मुक्त होने के लिए और शरीर में जितने भी कफ से होने वाली बीमारियां हैं, खास करके जो लंग्स से रिलेटेड हैं, जिसमें जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत बढ़ जाती है। आज हम करने जा रहे हैं प्राण मुद्रा। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि प्राण मुद्रा को करने की सही विधि क्या है, और फिर हम जानेंगे कि आखिर प्राण मुद्रा शरीर में काम किस प्रकार से करती है, या इस मुद्रा को कितनी देर करना चाहिए, और इस मुद्रा को करने से हमें क्या क्या लाभ होंगे। मेरा नाम आदित्य, आप देख रहे हैं सनातन योग। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट छोड़ के जरूर जाएं। तो शुरू करते हैं, आज हम करने जा रहे हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा को करना बहुत आसान है। इसमें आपको अपने अंगूठे को, अपनी छोटी उंगली और रिंग फिंगर को जोड़ना होता है इस तरीके से, और बाकी दोनों फिंगर को स्ट्रेट रखना होता है, बाकी दोनों उंगलियों को सीधा रखें इस तरीके से। तो यह आपकी प्राण मुद्रा आसानी से बन जाती है। इस मुद्रा को करने मात्र से आप मोटापे से मुक्त हो सकते हैं, और क्योंकि यह आपके जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत को अग्नि से कंट्रोल करती है। तो ऐसे लोग जिनके शरीर में स्वेलिंग होती है, या फिर ऐसे लोग जिनका वजन थोड़ा सा खाया और बहुत जल्दी बढ़ता है, खास करके जो कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं, उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए जब भी आप कोई सा भी प्राणायाम कर रहे हैं, कोई सा भी अपने डेली लाइफ स्टाइल में, अपने दिनचर्या में इस मुद्रा को उतारेंगे, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे शरीर से कफ जो है वो कम हो रहा है, और शरीर के अंदर धीरे धीरे अग्नि बढ़ रही है। इससे आपका प्राण, प्राण मतलब लाइफ एनर्जी, जीवनीय शक्ति आपके अंदर बढ़ेगी। जीवनीय शक्ति को बढ़ाना मतलब आलस्य से दूर रहना और खूब शरीर के अंदर बल और ताकत को महसूस करना। तो आज हम करने जा रहे हैं प्राण मुद्रा। इस तरीके से प्राण मुद्रा बनाइए। इसको कम से कम 15 मिनट के लिए एक बारी में होल्ड करें, अपने दोनों घुटनों पर रख लें, आंखें बंद करें, और आप मेरे साथ ओम चैंटिंग कर सकते हैं, मतलब ओम का जाप मेरे साथ कीजिए। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए हम ओम जाप साथ में करेंगे। तो आप जोन सा भी काम कर रहे हैं, 2 मिनट के लगाइए। इस तरीके से बैठ जाइए, जहां पे भी आप बैठे हैं आंख बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस भरें। इस तरीके से आपके शरीर में प्राणवायु बढ़ेगी, और खास करके जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत कंट्रोल में आएंगे, बैलेंस होंगे, आपके शरीर में अंदर सम मात्रा में प्रभावित होंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और बहुत अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।